इस फ्रिज में से इतना ज़्यादा गंद निकला है ना, बहुत गंद निकला है। मुझे अपने आप पे इतनी शर्म महसूस हो रही है ना कि क्या हालत कर रखी थी। बट मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर क्लीनिंग वीडियो। तो ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो, ये है पापा के घर की। एक्चुअली में मम्मा की जो श्राद्ध था वो था, तो हम वहाँ पे जा रखे थे एंड बस वहाँ पे जो भी पूड़ियाँ वगैरह बनानी थी वो बना के आने के बाद मैंने की फ्रिज की डीप क्लीनिंग, बिकॉज जो मेरा फ्रिज था वो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा था। एंड अभी नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले पहले मुझे जितना भी प्याज और लहसुन वाला सामान था वो सब बाहर निकालना था। तो यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बना दी थी एंड बाकी का सामान तो किट्टू ने बना दिया था, ये छोले और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी और खीर। तो यही मेन जो सामान होता है जो बनता है। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी अपने घर, जो पंडित वगैरह को खिलाना था वो खिलाने के बाद। और फ्रिज की हालत आप देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा बुरी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रिज को बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया है, हालांकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, एक एक ट्रे साफ़ करती रहती हूँ। जैसे कि बीच में से एक सिंगल ट्रे निकली हुई है, वो मैंने क्लीन करके वॉश करके और रखी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बहुत टाइम तक साफ़ नहीं करती, बट फिर भी पता नहीं क्या होता है, दोबारा से फ्रिज की यही हालत हो जाती है। कितनी बारी क्लीन कर लो तो दोबारा ऐसे ही होता है। बस ऐसा होता है, जल्दी जल्दी से फटाफट खाना बनाया, जो सामान है फटाफट से फ्रिज में रखा एंड बाकी के काम कर लिए, तो ऐसा ही हो जाता है। और फ्रीज़र में भी ऐसा ही हो रखा है, मसाला बॉक्स जो है, जितने भी मसाले के डब्बे हैं वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ खाली रैपर पड़े हुए हैं। और ये मैंने अब दोबारा से चिया सीड्स वाला पानी पीना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ बीच में मैंने छोड़ दिया था और अब दोबारा से स्टार्ट किया है। एंड बस ये आइस क्यूब वाला जो बॉक्स है इसे भी क्लीन करेंगे। एंड फ्रिज के ऊपर इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया था, जितना मर्ज़ी इसको डीक्लटर करते रहो दोबारा से जो सामान है वो ऊपर भर जाता है। कभी कुछ कॉइन्स रख दिए या जो भी छोटा मोटा सा सामान होता है वो हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, फ्रिज के ऊपर रख दिया या कहीं पे भी रख दिया। तो बस पहले सबसे पहले मैंने फ्रीजर को साफ़ किया, बिकॉज ऊपर से क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए हमेशा। तो सबसे पहले मैंने फ्रीजर का जितना भी सामान था वो निकाल के एक बास्केट में रख लिया, ताकि मुझे ईजी हो एक बार ही क्लीन करने में। एंड गाइस, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैंने कितना सारा सामान जो है वो फ्रिज में से निकाला। अभी तो ये फ्रीजर साफ़ हो रहा है, लेकिन फ्रिज में भी इतना ज़्यादा सामान था। एंड ये मुझे नहीं पता ये फ़ोन केस का जो फ़ोन का जो पीछे का केस होता है वो कैसे फ्रीजर में पहुंचा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत ही दुर्गति हो रखी थी फ्रिज की, थोड़ा थोड़ा सा सामान गिरता रहता है। तो बस ध्यान में नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया अच्छे से एंड ये हालत जो है वो होगी। तो मैंने सबसे पहले तो इसकी जो ट्रेज है उन्हें रिमूव किया और उसे वॉश करने के लिए रख दिया। पहले इसे थोड़ी देर मैंने पानी में भिगो के रख दिया, ताकि जो भी ये जमा हुआ है इसके ऊपर वो सब वो हो जाए, पिघल जाए, और फिर उसके बाद मैं उसे अच्छे से वॉश करूँगी। एंड यहाँ पे भी मैंने पानी छिड़क दिया, पानी स्प्रे कर दिया। ये कोई वो नहीं है, कॉलिन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। तो ये मैंने स्प्रे कर दिया अच्छे से, ताकि तब तक ये भी पिघल जाए और मैं बाकी का सामान जो है वो हटा दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारा जो सामान है वो निकाल दिया था। इसमें कुछ खाली रैपर भी ऐसे ही पड़े हुए थे, चॉकलेट के रैपर पड़े हुए थे, और कुछ ये जो मसाले हैं ये एक्सपायर हो गए थे। जैसे सांभर मसाला मेरे पास दो बॉक्स पड़े हुए हैं, उनमें से एक जो है वो एक्सपायर हो गया था और एक ठीक था, तो जो ठीक वाला था वो मैंने रख लिया एंड जो एक्सपायर हो चुका था उसे मैंने रिमूव कर दिया। और ये चाट मसाला, कसूरी मेथी, ये सब एक्सपायर हो गए थे, इसमें था अभी कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पड़ा हुआ था बस। एंड बस अभी मैं ये काम कर ही रही थी उतनी देर में जो यूविन है वो उठ गया था, और उठते ही उसको ये चाहिए होता है कि बस मम्मा पास में हो, तो वो रोने लग गया था, इसीलिए मैं रूम में आ गई। बट रूम में आके मैंने कहा चलो जब तक इसके पास बैठी हूँ तब तक बाकी के काम कर लेती हूँ। तो मैंने जो भी रात की बेडशीट्स वगैरह हम लेते हैं उन सबको अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। और यहाँ पे दोनों भाई आपस में मस्ती भी कर रहे थे, बट अगर मैं किचन में चली जाती तो यूविन जो है वो रोने लग जाता, तो फिर मुझे उसके सामने, बस उसे ये होता है कि मम्मा पास में बैठी हुई हो। एंड यहाँ पे दोनों की मस्ती चल रही है, तो साथ में मैं इनके साथ प्ले भी कर रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, और साथ के साथ यहाँ का काम ख़त्म कर रही हूँ। ऐसे ही होता है, जहाँ का काम हो जाए वही काम कर लेती हूँ मैं।
तो बस फटाफट से मैंने जितनी भी बेडशीट्स थी उन्हें अच्छे से फोल्ड कर दिया। एंड यहाँ पे यूविन है, वो भी सुबह सुबह मस्ती के मूड में था अच्छे से, और आद्विक ने मेरी हेल्प करी, थोड़ी थोड़ी हेल्प करता रहता है बेचारा, जितनी उससे हेल्प हो पाती है। तो उसने मुझे बेडशीट्स वगैरह उठा के नीचे से और दे दी थी, पानी पिला दिया था। एंड बस उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम करने के बाद फिर मैंने दोबारा से फ्रिज के पास गई, लेकिन उससे पहले मैंने बच्चों को खाना खुना खिला दिया ताकि इनका पेट भर जाए, ताकि अगर ये पेट भरा हुआ होगा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो ये बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो बस अभी तो मैं बेडशीट्स वगैरह ही फोल्ड कर रही हूँ। तो यही होता है कि जो सा काम हमें एज अ मदर जो हमें लगता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं जल्दी बच्चों के साथ, वो काम पहले कर लेते हैं। तो अभी फ्रिज की क्लीनिंग थोड़ी देर के लिए मैं डिले कर सकती थी, तो मैंने कहा चलो डिले कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड साथ में मैंने यहाँ पर आके जो काम मुझे यहाँ के लग रहे थे कि हो सकते हैं तो वो मैंने कर लिए। बस फिर उसके बाद दोबारा मैं चली गई, क्योंकि अब यूविन थोड़ा नॉर्मल सा हो गया था, तो वहाँ जाके फिर मैंने दोबारा से अपनी जो फ्रिज की क्लीनिंग है वो स्टार्ट की। तो ये सारा जो सामान है ये आज मैंने डीक्लटर किया अपने घर से, ऐसा ही हो रहा है। एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये टूटा हुआ कप है, ये भी मैंने डीक्लटर कर दिया, और भी ऊपर काफ़ी सारा सामान था जिसे कि मैंने डीक्लटर किया। और अभी मुझे सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं डीक्लटरिंग स्टार्ट करे हुए, लेकिन मुझे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो अपने घर पे दिखाई देने शुरू हो गए हैं काफ़ी चीज़ों में। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे जितना भी सामान था, कुछ जब सेल वगैरह हो गए जैसे बैटरीज होगी, वो हमें उस टाइम पे मिलती नहीं है जब हमें चाहिए होती है, क्योंकि पता ही नहीं होता कहाँ पे है। और यहाँ पे ये हनी का जो पूरा बॉटल है, और ये यहाँ पे मैंने छोटी सी एक कोलगेट रखी हुई है, बिकॉज कई बारी मेरा हाथ जो है वो काफ़ी बारी जल जाता है खाना वाना बनाते टाइम, तो यहाँ पे पास में ही पड़ी होती है तो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने जो अखबार भी छा रखी थी उसकी भी बुरी हालत हो गई थी, तो वो भी मैंने रिमूव कर दी, और उसके ऊपर भी ऊपर से अच्छे से पानी छिड़क दिया ताकि तब तक जितनी भी मिट्टी है वो गीली हो जाए और उसको साफ़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा फिर। एंड यहाँ पे अच्छे से मैंने जितना भी पानी वगैरह है वो सब छिड़क दिया साइडों पे भी, एंड जो फ्रिज की साइड्स हैं वो भी। तो तब तक मेरा जो ये था फ्रीज़र का सामान था उसे मैंने वॉश करके रख दिया ड्राई होने के लिए, एंड फ्रीज़र को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया अंदर से, और जितना भी गंदगी इसमें थी वो सब अच्छे से रिमूव होगी, क्योंकि पानी छिड़का हुआ था उसकी वजह से जितना भी सामान था वो अच्छे से निकल गया, जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सब अच्छे से निकल गई। एंड बस उसे क्लीन करने के बाद फिर मैंने नीचे का जो मेन फ्रिज होता है उसका सारा सामान निकाला, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। पहले इसकी हालत क्या थी और अब देखो, सिर्फ एक स्वाइप में ये क्लीन हो जाता है, क्योंकि अगर पानी इसमें डाल दो तो आराम से रिमूव हो जाता है, पहले ये रिमूव नहीं हो रहा था। तो ऊपर से जो फ्रिज है वो भी क्लीन कर दिया, फ्रीज़र भी क्लीन कर दिया, और अब बारी थी फ्रिज मेन फ्रिज की, तो कितना ज़्यादा एक्सपायर्ड सामान यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। तो यहाँ एक डब्बी में राजमा चावल पड़े हुए थे, एंड काफ़ी टाइम पुराने पड़े हुए थे ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आद्विक मुझे बोलता है कि मुझे और नहीं खाना, तो मैं उसे बोलती हूँ फ्रिज में रखा बेटा, तो वो फ्रिज में ऐसे ही रख देता है। और ये राइस वगैरह थे थोड़े से ख़राब हो चुके थे, ये दही थी इसे मैं यूज़ करूँगी, खीर जो पड़ी है वो भी मैं यूज़ करूँगी, और ये छोले हैं वो भी मैं यूज़ करूँगी, बिकॉज़ ये मॉर्निंग में ही मम्मा के वहाँ से हम लेकर आए थे, और ये चावल दाल बहुत पुराने हो चुके थे। तो जितना भी पुराना सामान था वो सब मैंने खाली करा, और कितने सारे बर्तन ऐसे निकले, ये थोड़ा सा बटर पड़ा हुआ था इसे भी मैंने यूज़ कर लिया था, और ये मतलब ऐसे बहुत सारा सामान था जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था फ्रिज में, हम ऐसे ही रखते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए थे, ये तो अभी एक दिन पहले ही किए थे एंड वो ठीक थे, और ये एप्पल आद्विक स्कूल से वापस ले आया था। और यहाँ पे ओट्स बनाए थे कल, वो बचे हुए थे। एंड यहाँ पे ये दूध की जो थैलियाँ हैं वो सब ऐसी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ये लस्सी के पैकेट भी है, तो दूध को मैं बॉयल कर दूँगी एंड लस्सी बाद में उठा के रख दूँगी। और ये हमारे घर शायद से एक महीना हो गया ये गुलाब जामुन आए थे, बट मैंने खाए, इन्होंने खाए, बट अभी मीठा हम सब ने छोड़ रखा है, तो वो बेचारे पड़े पड़े कि आज खाएंगे कल खाएंगे ऐसे करते करते वो इकट्ठे हो रखे थे, और बिल्कुल वो ख़राब हो चुकी है, अब एक महीने से भी ज़्यादा हो गया था। एंड यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी हुई थी, तो बस सारा जो जितना भी सामान है, और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे,
तो जितना भी सामान है वो सारा फ्रिज में से निकाल के और फिर इसकी जो ट्रेस वगैरह थी वो सब मैंने अच्छे से वॉश कर दी। और यहाँ पे सब्जियाँ भी आके ऐसे थैली में ही पड़ी हुई है, जो कि बहुत गलत तरीके आई नो, बट ऐसे ही रख दी थी मैंने। लेकिन क्लीन करने के बाद मैंने इसे अच्छे से बास्केट में रखी, वो आपको बाद में पता चलेगा। और ये मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे नीचे इतना ज़्यादा गंदगी हो रखी है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही क्लीन कर लेती, बट मुझे ट्रस्ट में गाइस बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नीचे से ये फ्रिज इतना ज़्यादा क्लीन हो रखा, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो ये तो पूरा मैंने पानी गिराया इसके ऊपर, उसके बाद जाके ये छूट पाया, नहीं तो ये बिल्कुल सख्त हो रखा था। एंड तब तक जो ये मैंने सोचा कि तब तक आटा गूंथ देती हूँ, बिकॉज खाना भी बनाना था अभी, तो आटा मैंने गूंथ दिया तब तक, बिकॉज हस्बैंड भी आने वाले थे तो उनसे पहले पहले मुझे ये खाने का काम अपना कंप्लीट करना था, नहीं तो उन्होंने आके खाना मांगना था। उन्हें नहीं पता ना कि सुबह से सफाइयों में लगी हुई हूँ या फ्रिज साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो बस खाने की तैयारी मैंने तब तक कर दी। एंड जो ये बॉक्सेस वगैरह वॉश किए हुए थे इन्हें भी अच्छे से सेट कर दूँगी अब मैं, तो पहले एक बार यूविन को देख के आऊँगी, बिकॉज वो भी अब रोना शुरू हो गया था। तो गाइस फ्रिज में से इतना ज़्यादा गंद निकला है ना, बहुत गंद निकला, मुझे अपने आप पे इतनी शर्म महसूस हो रही है ना कि क्या हालत कर रखी थी, बट मैं क्या करूँ। मुझे पता है कोई चीज़ गिरती थी उसी टाइम साफ़ कर लेना चाहिए था, बट नहीं करा मैंने कि चलो कल कर लूँगी या थोड़ी देर, ये तो नहीं होता था कि कल कर लूँगी, बट ये होता था कि थोड़ी देर रुक के करती हूँ एंड फिर उसके बाद दिमाग से निकल जाता था। और आजकल दिमाग भी ऐसा होता जा रहा है ना कि कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है। एंड यहाँ पे फ्रिज में से सारा सामान निकाल के टेबल पे रखा है, शुक्र है मैंने टेबल पहले ही साफ़ कर लिया था। जो फर्स्ट वीडियो में पार्ट वन में मैंने ये टेबल साफ़ किया था बड़ी मुश्किल से। एंड ये जो थैला है ना, इसे मैं गिराने वाली हूँ, बहुत गंदा लगता है वीडियोज़ में भी। एंड बस यूविन जो है वो अब छिड़ गया है, वो रोने लग गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसके पास। क्या हो गया? गाइज़ इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है ना जब एक बार ही इतना अच्छे से हमारी जो मेहनत है वो रंग ले आती है। एंड बहुत ही क्लीन लग रहा था और इतना अच्छा फील हो रहा था। और इसी बीच में मेरा ऑर्डर आ गया था आजियो से और नायका से, एंड अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने मंगवाया है। मैरिज पे जाना है तो वहाँ के लिए शॉपिंग की है थोड़ी बहुत। तो बस उसके बाद जो ये दरवाजे में जितना भी सामान था वो सब मैंने निकाल लिया। एंड मुझे पता ही नहीं था पनीर के इतने पैकेट इकट्ठे हो रखे थे, कुछ एक्सपायर हो गया, तो बुरा तो बहुत लग रहा था, बट अब क्या कर सकते, जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये छोटी छोटी सी जो निम्बुड़ियाँ सी लेकर आए थे ना, मुझे इतना गुस्सा आया ना इन लेमन्स पे और हस्बैंड पे जो कि इसे लेकर आए थे। छोटे छोटे से नींबू चार चार पांच पांच एक ग्लास में डलते, चार भी क्यों
पांच छह नींबू आराम से डलते हैं और इतना टाइम वेस्ट होता है ना, तो इतना तभी ये यूज़ भी नहीं हो पाए, ऐसे कैसे ही पड़े रहे। एंड बस उसके बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, दरवाज़ा भी क्लीन कर दिया था और पूरा जो भी डोर है पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये थी मेरी फाइनल लुक, तो पूरा अच्छे से मैंने सामान वगैरह सेट कर दिया था, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह थी वो बास्केट में अच्छे से सेट करके लगा दी थी। एंड नीचे का ये ड्रॉर रह गया लगाने वाला। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगी है मेरी। आपको तो ये सिर्फ 15 मिनट की वीडियो दिख रही होगी बट बहुत, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। एंड आपके जो कमेंट होते हैं वो सच में इतने ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो वीडियोज़ आएगी वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज मैं बिल्कुल अपने घर की काया पलटने वाली हूँ। एंड बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था पेंट करवा लो, तो जी हाँ पेंट भी करवाऊँगी।